ये है पांच ऐसे प्राचीन इंडियन आर्ट्स जो आज भी देश के कई हिस्सों में जिंदा है। नंबर एक, मिनिएचर पेंटिंग्स। ये पेंटिंग्स अपने मिनिएचर साइज के साथ साथ इसमें दी गई डिटेल्स और एक्सप्रेशंस के लिए भी जानी जाती है। इस कला का जन्म मुगल साम्राज्य के समय हुआ था। ये मिनिएचर पेंटिंग्स पर्शियन स्टाइल से इन्फ्लुएंस थी, जिन्हें बाद में शाहजहां और अकबर के समय और भी निखारा गया। बाद में इसे राजपूतों ने अपना लिया और अब ये राजस्थान के कई हिस्सों में प्रैक्टिस किया जाता है। नंबर दो, मधुबनी। इसे मिथिला आर्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह कला राजा जनक के समय उनकी नगरी में हुआ था। ये एक बहुत ही फेमस इंडियन आर्ट है, जिसे ज़्यादा करके उन महिलाओं द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है जो भगवान को पाना चाहती हैं। इस कला को बाहरी दुनिया से छुपाया गया, लेकिन 1930 में अंग्रेजों ने इन्हें ढूंढ लिया और वे इससे काफ़ी प्रभावित हुए। उस समय से ये आर्ट कई जगह फैल गया। नंबर तीन, फाद। राजस्थान में जन्मी यह कला देवी देवताओं को दर्शाती एक स्क्रोल पेंटिंग है। ये पेंटिंग 15 से 30 फीट लंबे कैनवस या कपड़े पर की जाती है और इसी को फाद कहते हैं। ये खूबसूरत पेंटिंग वेजिटेबल कलर्स के यूज से देवी देवताओं को दर्शाती एक लाजवाब कला है। नंबर चार, वारली। इस कला का जन्म 2500 BCE में इंडिया के वेस्टर्न घाट में वारली ट्राइब्स के द्वारा हुआ था। ये भारत के काफ़ी पुराने आर्ट्स में से एक है। इसमें मेनली सर्कल्स, ट्रायंगल्स और स्क्वायर्स की मदद से कई आकार और उस समय के रोजमर्रा की जीवन शैली जैसे कि फिशिंग, हंटिंग, त्यौहार, डांस आदि को दिखाया गया है। सभी पेंटिंग्स में रेड या डार्क बैकग्राउंड और वाइट शेप्स का इस्तेमाल किया गया है। नंबर पाँच, गोंड। ये पेंटिंग्स नेचर की सुंदरता को दर्शाती है। मध्य प्रदेश में रहने वाले गोंडी ट्राइब ने सबसे पहले इस कला की शुरुआत की थी। ये ट्राइब इन पेंटिंग में कलर के तौर पर कोयला, गाय का गोबर, पत्ते और मिट्टी का यूज करती थी। इसे सिर्फ लाइंस और डॉट्स की मदद से बनाया जाता था। आज भी यह कला कई जगह यूज होती है, बस फर्क इतना है कि आज कलरिंग के लिए एक्रेलिक पेंट्स का यूज किया जाता है। इसे आप गोंड आर्ट में हुआ एक एवोल्यूशन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर पेंटिंग्स पसंद आई तो इसे लाइक मारें और सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।